अभी जो बाइक है ना, आपने तो थंबनेल में और इसमें देखा है, वो बाइक का टेस्ट राइड किया था, उसके साथ और एक बाइक का टेस्ट राइड किया था। पहले का जो किया था वो कावासाकी का था, वो आपको मालूम है। अगर वो वीडियो देखा नहीं रहेगा आपने तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। सेम कावासाकी का ही बाइक मैंने चलाया था, जिसने वो वीडियो देखा रहेगा ना उसको मालूम है मैंने कौन सा बाइक चलाया था। तो वो बाइक और ये बाइक मैंने चलाया था, रीजन आप समझ जाएंगे क्यों मैं ये टेस्ट राइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्लान चालू है दिमाग में, कुछ चालू है, तो इसके लिए टेस्ट राइड करने के लिए गया था। लेकिन ये जो बाइक है ना मस्त है, तो वीडियो में आपको सब कुछ मालूम गिरेगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते वीडियो। तो दोस्तों ये है होंडा की 500X और ये जो बाइक है ये है एडवेंचर टूरर बाइक। और ये बाइक है ना कम्पीट करती है वर्सेस 650 सुजुकी वीस्ट्रोम 650 और बेनेली की TRK 502 को। तो ये जो बाइक है ना ये मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्यों पसंद आई? क्योंकि इसके जो हेडलैम्प है उसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। ये सेमी फेयरिंग है और ये जो है सिंगल पीस सैडल है इसमें, और इसका जो टॉल विंडस्क्रीन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो इसका जो अप स्विफ्ट एग्जॉस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसके टायर के बारे में बात करूंगा, तो ये इसमें फ्रंट में 19 इंच के टायर दिए हुए और रेयर में 17 इंच के टायर दिए हुए। अलॉय व्हील है और ट्यूबलेस टायर है। जो फ्रंट डिस्क है उसका साइज़ है 310 mm और जो रेयर डिस्क है उसका साइज़ है 240 mm और ये आती है ड्यूल चैनल ABS के साथ। ये गाड़ी का मेन फ्रेम है ना वो बिल्ड किया है डायमंड शेप स्टील ट्यूब पे, और इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं फ्रंट में और मोनो सस्पेंशन आता है रेयर में। ये आप मोनो सस्पेंशन 9 एडजस्टेबल कर सकते हैं आप इसको। ये आती है 17.7 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ और इसका वजन है 199 kg का है। ये जो गाड़ी है ना ये पूरी की पूरी आती है LED लाइट्स के साथ, यानी कि आपके फ्रंट हेडलैम्प हो गया, नहीं तो टेल लैम्प हो गया, नहीं तो फिर इंडिकेटर्स हो गए, सब LED में आते हैं। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो LCD में आता है। तो LCD में ये आता है और इन्फॉर्मेशन ये पूरा का पूरा देता है जो अदर बाइक्स देते हैं, लेकिन उसके साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन ये शेयर करता है कि गियर पोजीशन इंडिकेटर है इसमें, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर है और ABS इंडिकेटर है, जो कि एक एडिशनल थिंग है इसमें। अभी हम लोग बात करेंगे इंजन के बारे में। तो ये आती है पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल 471cc के इंजन के साथ और ये प्रोड्यूस करती है 47 BHP की पावर हॉर्स पावर और 43.2 न्यूटन मीटर टॉर्क। और ये आता है 6-speed गियर बॉक्स के साथ विद स्लीपर क्लच। इसमें आपको दो कलर मिलेंगे, एक है ग्रैंड पिक्स रेड और दूसरा है मैट गन पाउडर ब्लैक मेटेलिक। ये दो आपको कलर्स अवेलेबल है इसमें और ये पुणे में जाती है ऑन द रोड। मैं जब भी देखने के लिए गया था तभी था 8,15,000, अभी इसका कॉस्टिंग है 7,20,000। तो थोड़ा सा जो होंडा ने इसका प्राइसिंग कम कर दिया है, जो कि बहुत सारे जन को बेनिफिट होने वाला है। अभी मैं करता हूँ इसका टेस्ट राइड और आपके साथ शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस टेस्ट राइड का। तो अभी मैं आ गया हूँ होंडा 500X। वाह मस्त गाड़ी है, बहुत रिफाइंड गाड़ी। मैंने एक्चुअली चलाया था सुमित जी का 500X, तभी भी मुझे पसंद आया था। एडवेंचर बाइक चाहिए तो थोड़ा सा एडवेंचर का फील आना चाहिए, तो वो हिसाब से मैं देख रहा हूँ अभी, क्योंकि एडवेंचर बाइक लेनी है तो थोड़ा सा हो रहा है। अगर मैं खींचूंगा तो गाड़ी भागती है। वाह ब्रेकिंग भी अच्छा है। नाइस होंडा होंडा है, जीरो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हॉर्न ओके है, अगर मैं कम गियर पे, अभी मैं एक ना थर्ड गियर सेकंड गियर पे शायद थर्ड गियर पे
थर्ड गियर पे 20, 25, 20. ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। और मेरे हाइट के हिसाब से परफेक्ट है, परफेक्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नाइस, बेटा भी बोल रहा है बहुत अच्छी है, खुश हो गया, वाइब्रेशन भी नहीं है कुछ भी। यूजुअली बेटा मेरे साथ बैठता तो डरता नहीं, लेकिन ये जो गाड़ियाँ चला रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा उसको डर लगता है। बहुत ही बढ़िया है। तो कैसा लगा वीडियो? बहुत ही अच्छा बाइक है यार, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, इंजन बहुत ही मस्त है। और ये जो बाइक है ना, डायरेक्टली इंपोर्ट होती है जापान से, तो इसके लिए ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। और एक बेनिफिट ये हो गया है कि ये अभी जो गाड़ी आ रही है, आपको तो मालूम रहेगा कि इसमें 1 लाख का डिस्काउंट हो गया है। यानी कि मैं जब भी गया था शोरूम में, तभी मुझे बोला था 8,15,000 ऑन द रोड आ रही थी पुणे में, तो अभी वो जा रही है 7,20,000 तक जा रही है। तो पकड़ के चलो यार, 1 लाख का फायदा है। तो जिसको पसंद है, सच में बोलता हूँ, अब जाके राइड करना बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा ओवर प्राइस है, लेकिन वो इंपोर्ट होके आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा ओवर प्राइस है, लेकिन बहुत ही एक्सलेंट है। चलो, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, स्टे केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय।